जी, मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरु जी, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू खातून ने अनिरु आचार्य से कहा कि मैं जब रोज़ सुबह उठती हूँ तो मेरे सामने एक परेशानी खड़ी होती है। इस खातून की शादी 2016 में हुई और ये खातून अपने शौहर के साथ 2 महीने भी ना रह सकी और इसे घर से निकाल दिया गया। और इस खातून का ये भी कहना है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शौहर ज़िंदा भी है या नहीं। तो अनिरुद्ध आचार्य ने इस खातून को क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं और उसके बाद डॉक्टर जाकर नायक का बयान भी इसी हवाले से सुनते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से मालूमात मिल सके। तो बिना टाइम जाए कि वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरु जी, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे? किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरु जी, रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए? मेरी माता जी। जी मैया, क्या हुआ, ये बच्ची क्यों रो रही है? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी, मायके। तो वो ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं? सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरु जी, मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? जी, जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते, आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें से फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरु जी, मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरु जी उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिया तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई उनको, ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? वो गुरु जी उनकी नजरों में एक किराएदार थी। अभी केस कैसा चल रहा है, काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना। तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपना। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा, मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते, कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में। गुरुजी मैं भी बरेली में हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं वहाँ। गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCSA की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं
माताओं के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में ही बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो तीन तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी तीन तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में तीन किस्म की तलाक है, मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में। एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में गो हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक महा रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और तीन माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो तीन माह या तीन हैस की इद्दत है, तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए तीन हैस या तीन माह, तीन मेंस्ट्रुअल साइकिल और थ्री मंथली कोर्सेस मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत अबू बकर के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत उमर के पहले दो साल के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स तीन दे दिया तो तीन हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 107। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर ये है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो, फिर भी बात न बने, तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से, मतलब आर्बिटर हकम के आर्बिटर हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो, उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो तीन माह रुकना चाहिए। ये तलाक के आसन है, तो बिल्कुल सही तरीका है, तलाक दो और तीन माह रुको, और तीन माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तीन माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो तीन माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। दोस्तों, हिंदुस्तान में ये मसला अक्सर हिंदू लोगों के सामने पेश आ रहा होता है, और अक्सर खवातीन ये सवाल उठा रही होती है, मैं अपने शोहर से बहुत तंग हूँ, वो मुझे मारते हैं या उसने मुझे घर से निकाल दिया। और अक्सर ख्वातीन ये भी कहती हैं कि मेरा शोहर मेरे साथ सही से पेश नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हिंदू खातून ने अनिरुआचार्य से कहा कि मैं जब रोज़ सुबह उठती हूँ तो मेरे सामने एक परेशानी खड़ी होती है। इस खातून की शादी 2016 में हुई, और ये खातून अपने शोहर के साथ 2 महीने भी ना रह सकी और इसे घर से निकाल दिया गया। और इस खातून का ये भी कहना है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शोहर जिंदा भी है या नहीं। तो अनिरुद्धाचार्य ने इस खातून को क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकर नायक का बयान भी इसी हवाले से सुनते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शोहर जिंदा भी है या नहीं। तो अनिरुद्धाचार्य ने इस खातून को क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकर नायक का बयान भी इसी हवाले से सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।